सुदेन भाई गाने के बगैर सुदेन भाई से नहीं चला जाता। यहाँ से स्टार्टअप मैनहट्टन के अंदर निकलेगा। पीटीआई का झंडा और पाकिस्तान का झंडा लेके घूम रहे हैं। इनके अंकल की मस्ती नहीं जाके दे रही भाई। Assalamualaikum everyone, तो क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई जान इतनी धूप के अंदर, वैसे तो काला काला कर रहा था, अब धूप के अंदर व्लॉग स्टार्ट कर रहा है। अभी बताता हूँ भाई क्यों। Assalamualaikum बक्साब, की हाल है। मुझे पता है तुम्हारा हाल ठीक नहीं है। यहाँ पर भी कबूतर पाकिस्तान से आ गए तुम्हारे पीछे पीछे कि तुम पे ही बीट करेंगे। चलो गाड़ी में। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, क्या हो गया। जब सुदेम भाई की आज जो है वो थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन सुदेम भाई को आज हम लेके जा रहे हैं तबीयत खराब में भी। भाई अपना जो काम है वो तो हमें करना पड़ेगा ना, तो तबीयत खराब वगैरह तो नहीं देखते हम। तो अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ लेके जाते हैं आपको। क्या हुआ, फुल गर्म हो रही है बॉयज। असल में लेदर है ना, तो ये लेदर जो है वो गर्म भी ज्यादा होता है और ठंडा भी ज्यादा होता है, तो बैठने में सुदेम भाई को थोड़ी प्रॉब्लम तो हो गई है। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की है, पापे भी आपके गर्म हो जाएंगे फौरन। सो बॉयज ये जो है 14 अगस्त की सीरीज 3 है, क्योंकि अब आज फिर हम एक इवेंट में जा रहे हैं, लेकिन आज का इवेंट थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सुदेम भाई, कहाँ हो रहा है बताओ जरा भाइयों को हमारे। डिफरेंट मैनहट्टन में इवेंट हो रहा है, मतलब के टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क का सबसे चलता फिरती जगह भाई। वहां पर रोड बंद कर दिए गए हैं फुल, अभी परेड श्रेड होगी, हो सकता है हम लेट ना हो जाए। 1 बज रहा है और अभी जाने में हमें 54 मिनट, मतलब 2 बजे तक पहुंचेंगे। तो बॉयज दुआ करें कि परेड से पहले पहुंच जाऊं, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि किस तरीके से परेड हो रही है और वहां पर क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है खाने पीने का। तो चलें भाई, क्या कहते हैं, चलें, लेट्स गो। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना ला मुनकलिबून। तो भाई अपने सफर के लिए रवा दवा है। 59 मिनट हो गया, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और गर्मी भी आज बहुत गंदी है। आप लोगों के लिए मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ, लेकिन आप लोग सुदेम भाई सब्सक्राइब नहीं करते। भाई मैं बहुत दुख में हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ना शेयर करते, ना कमेंट करते हैं, तो क्यों नहीं करते भाई। आप लोग इतनी गर्मी में जा रहा हूँ अपना कलर जला जला के आपके सामने, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो सपोर्ट दिखाएं भाई, प्यार दिखाएं, आपका भाई आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहा। तो बस अभी चलते हैं, आपको वहीं चल के मिलेंगे, क्योंकि रस्ते में अब आपका भाई बनता हुआ जाएगा तो आपका भाई व्लॉग नहीं बनाएगा, तो डायरेक्ट अब वहीं चल के मिलते हैं आपसे। कि मैं रस्ते में व्लॉग क्यों नहीं बनाऊंगा, सुदेम भाई जो है वो गाने सुनते हैं, तो सुदेम भाई गाने के बगैर चलते नहीं। क्यों सुदेम, वैसे ही है सुदेम भाई, गाने के बगैर सुदेम भाई से नहीं चला जाता। तो तभी मैंने सोचा आज सुदेम भाई को गाने सुनने दें, वहां चल के देखा देखा सबर हुई ना, मैं व्लॉग बना रहा हूं, सबर ही नहीं हो रहा लड़के में। तो भाई वहीं चल के मिलते हैं आपको जल्दी जल्दी। मुझे वीडियो बनानी नहीं थी, खैर मेरे साथ अभी सीन ये हुआ है कि मुझे जो है वो ब्रिज से जाना था, जहां से कि मैं जाता हूँ ब्रुकलिन ब्रिज से, लेकिन आंटी जी जो है वो पता नहीं किधर लेके आ गई है। वो कह रही है यहाँ से जाओ सुदेम भाई। आंटी का क्या करे जाए यार, यस कभी यहाँ लेके जा रही है कभी वहाँ। खैर आंटी कभी गलत नहीं करती, आंटी टाइम ही बचा रही होंगी हमारा। तो खैर अब आंटी के कहने पे चल रहा हूँ, मुझे था कि मैं उस ब्रिज से जाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा व्यू और दिखा दूंगा, पहले भी दिखा चुका हूँ लेकिन फिर से दिखा दूंगा, क्योंकि वो जो ब्रिज है वो मेरा ख्वाब था। जब मैं पाकिस्तान में हुआ करता था तो मेरा दिल करता था कि यार यार अल्लाह ताला इतना कर दे कि मैं इस ब्रिज से गाड़ी चला सकूँ इस ब्रिज पे, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी बनी थी, कौन सी थी वो, दिल दीवाना। तो बस वो मेरी क्यूरियोसिटी होती रहती थी कि यार बस चला जाऊं इधर। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, जितना अल्लाह का शुक्र करें कि आज अल्लाह ने वो भी मंजर दिखा दिया। तो खैर अब चलते हैं हम इवेंट की तरफ। तो भाई हमें व्लॉग नहीं बनाना, सुदेम भाई फिर बना रहा हूँ। सुदेम भाई की शक्ल देख रहे हैं आप लोग, गुस्से में हो रहे हैं सुदेम भाई, गाने बंद कर दिए मैंने। तो बस अब वहीं चल के मिलते हैं आपको मैनहट्टन में। लंबा रास्ता कवर करके अब आ चुके हैं हम ब्रिज से, तो नहीं गए सुदेम भाई, लेकिन आपको लेके जाएंगे अब हम सबसे बड़े टनल से, मैनहट्टन का सबसे बड़ा टनल है। सुदेम भाई दिखाते जाओ, ये यहाँ से स्टार्टअप मैनहट्टन के अंदर निकलेगा, और आपको मैंने शायद पहले दिखाया था वीडियोस में कितनी पतली पतली लेंस, देखो ये चेक कर, ये देखिए बॉयज बराबर में डंडे राइट पे ये, और ऊपर जो है क्या है सुदेम भाई, पानी पानी, और ये ऊपर पानी है बॉयज, सोचे
किस तरीके से इन लोगों ने बनाया होगा ये सब यार। अब तो लाइट जलनी पड़ रही है, कितने अंधेरा हो गया अंदर आगे। और ये बॉयज जितने भी लगे हैं ये सब स्टील के नहीं है, सब रबड़ के बने हैं। इफ आपको लेन चेंज करनी कर सकते हो, लेकिन इलीगल है, आप नहीं करो, ज्यादा बेहतर है। तो बस अब इस टनल को पार करते हैं और ये देखे पानी आ गया आगे, ये सारा जितना भी ना सब ये समंदर है। और समंदर के नीचे यार अमेरिका वालों क्या बात है तुम्हारी, क्या क्या करते रहते हो। तो बस अब ये पार करते हैं, हम पहुंच जाएंगे मैनहट्टन 11 मिनट्स के अंदर। अब आपको वहीं चल के मिलते हैं, दिखाते हैं इवेंट का क्या सूरत हाल चल रही है बॉयज। बॉयज पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर और आगे देखे पाकिस्तानियों का कोई परेशानी हाल नहीं है बॉयज। रोड ही बंद किया हुआ है आगे भाईजान, वो चेक कर रहे सामने रोड ही बंद है बॉयज। अब क्या किया जाए, अब मेरी समझ नहीं आ रहा। हम जाते हैं पहले राइट सुदेन भाई, ठीक है राइट जाकर देखते हैं कि कहीं पार्किंग मिल जाए हमें, क्योंकि अब यहीं से स्टार्ट है ना, यहीं स्टार्ट है। यस अब यहीं से पार्किंग मिलने, अभी यही पार्किंग है पक्का। नहीं यार ये तो गेट है शायद, है ना। हाँ, गेट है ना, मेन है, मेन गेट यार। यहाँ पर ये बड़ा मसला है पार्किंग का, पार्किंग आप बिल्डिंग है देखो सब कुछ यार। बिल्डिंग दिखाओ सर यार, ये है अमेरिका बॉय, दिस इज कॉल्ड अमेरिका सिस्टम भाईजान। यहाँ आके पता चलता है कि न्यूयॉर्क के अंदर हम आ चुके हैं। खूबसूरत बिल्डिंग है, मेटा लाइव यार, क्या बात है लड़के, कितना खूबसूरत लगता है मुंबई है, मजा आ जाता है यहाँ आके, लगता है कि न्यूयॉर्क में घूम रहा हूँ। तो अभी ढूंढते हैं पार्किंग, कहीं ना कहीं मिलती है तो हम पार्क करते हैं भाई। भाई पार्किंग मिलकर ही नहीं दे रही, कहाँ कहाँ घूम के आ गए, बिल्कुल अब आगे की तरफ आ गए हैं दूसरी बिल्डिंगों की तरफ, लेकिन पार्किंग नहीं मिल रही। आपके भाई को पाकिस्तान में एक जगह बुरी लगती थी, अमेरिका में एक यहाँ पे एक जगह बुरी लगती है, वो क्या है? पाकिस्तान में जो था कराची में सदर बुरा लगता था कि गाड़ी में नहीं जाऊंगा सदर में, और यहाँ पर मैं मैनहट्टन नहीं आऊंगा गाड़ी में भाई, पार्किंग नहीं मिलती, ख्वारों की तरह घूमते रहो। सदर में भी घूमते रहते थे, वहां पुलिस आती थी चलान दे देती थी। यहाँ पर भी ये गलत पार्क कर दो टुल्ला आएगा टिकट रख के चले जाएगा। जाऊं तो मैं जाऊं कहां भाई, अल्लाह अकबर। खैर अब आए हैं तो देखना पड़ेगा, लेट्स सी बॉयज। आवाम देखे मैनहट्टन के अंदर की दुम, वो देखो भाई वो सब जगह कितनी आवाम है, गाड़ी के आगे से देखे कितने लोग जाएंगे बॉयज, देखते रहे सब। ये है भाई मैं वहां से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, वो देखो माय गॉड। मैं कहा जाऊँ, मैं तो बीच में फंस गया सुदीन भाई, वाओ खड़े रहो भाई, अल्लाह ना करे आगे चले गए ना, आपको पैसे देने पड़ेंगे उनको। कोई 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 रुके 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 मैं निकलूं यार, प्लीज प्लीज साइकिल वाले दो, थैंक यू। इतनी और ये देखिए हम अंदर ही घूम रहे 17-16 मिनट हमें घुमाया जा रहा है, क्योंकि पार्किंग हमें नहीं मिल रही, क्या करें हम मजबूर है, लेकिन हम घूम तो टाइम स्क्वायर में रहे ना भाई, मजा तो आ रहा है ना, सिस्टम तो एंजॉय कर ही रहे, लेकिन यहाँ आवाम एक्सट्रीमली है। और ये तो दिन है, रात में आपको पागल कर देगी आवाम, इतनी आवाम होती है गाड़ी के आगे पीछे, और यहाँ पे घूमते हैं एक रक्षे वाले। हाँ, वो देखा साइकिल, वो मैंने वीडियो में देखा था, वो गाली दे रहा था ना, मीटर में चक्का दिया था, लेकिन क्या हो गया बॉयज, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम करते हैं। तो लेट्स गो बॉयज, पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पार्किंग मिल जाए दुआ करें अल्लाह ताला जल्दी से पार्किंग मिल जाए। सो बॉयज इधर जो है हमें पार्किंग मिली है, इस रेस्टोरेंट के सामने हम पूरा जहान घूम के आए और हमें करीबी मिली है, वो देखें वो सामने बंद पड़ा है, और वहाँ साइड में हो अबे गाड़ी मार देगी बेटा, उड़ा के ले जाएगी, लेकिन खैर गाड़ी मार देगी ना भाई, पैसे मिलते हैं। तो भाई आई विल बी बैक, थोड़ी देर में आता आपका भाई, अभी चलते हैं इवेंट के अंदर, देखते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है अंदर। तो बॉयज यहाँ का कुछ सेटअप देख सकते हैं आप लोग, ये देखें क्या बने हुए ये लोग, और यहाँ पर रश देखें, ये नहीं अरे किसका फोन आ गया, मम्मा जी का फोन आ गया, एक मिनट कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वो सामने स्टेज लगा हुआ है वो देखें, और यहाँ पर सारे स्टॉल्स लगे हुए ना, ये जितने भी हैं सबने स्टॉल्स लगा हुए, पाकिस्तान का झंडा, अमेरिका का झंडा, वाह भाई लड़के हुआ मजा आ गया। और पीछे देखे नाच चल रही है माशाल्लाह, मैनहट्टन के अंदर सुभान अल्लाह नाच चलाई भी है। तो अभी अंदर चलते हैं, ओए 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 रश तो बड़ा खतरनाक है भाई, ये तो छोटी सी स्ट्रीट में, वाह भाई वाह, तो अंदर चलते हैं बॉयज। बॉयज अब ये स्टॉल देख के समझ गए होंगे कि किसका स्टॉल है, माशाल्लाह वही बंद कबाब वाले भाई हैं जो कि हमारे एरिया में लगाते हैं, और इनके माशाल्लाह रश देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है मुझे यहाँ आके देख के कि भाई इनके बन कबाब पे भी बड़ा रश है, क्योंकि एक एंटीक चीज़ है, यूनिक चीज़ है भाई, कराची की याद देता होता तो करा रहे ना भाई जन, ये तो माशाल्लाह रश देखें। आप तो भाई भी लाइन में लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, क्या करें भाई, लाइन में भी खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ सिफारिश ही नहीं चलती भाई, तो लाइन में खड़े हैं, सुदीन भाई के लिए लेते हैं बर्गर, फिर इनको खिलाते हैं और चलते हैं, शक्ल देख के बुला लेंगे आपको, शक्ल चलती है यहाँ पे, शक्ल आपकी जानता है कोई, कोई जानता नहीं, शक्ल चलती है इनकी।
भाई ले चेक करें फुल कराची वाला माहौल। कुल्फी आ गई है, कुल्फी वाले भाई खड़े हैं फुल भाई। बढ़िया कुल्फी, वाह भाई वाह कुल्फी। सो भाई आपने पीछे देखा फुल ठंडी टार कुल्फी मिल रही थी, खाई नहीं तुमने? मैं नहीं खाता भाई, तबीयत खराब है ना, वरना फदीम भाई को खिलाते हम ठंडी टार कुल्फी, मजेदार कुल्फी। तो बॉयज इस तरफ हो रहा है कोई फंक्शन, तो मैंने लगा चलो दिखाते हैं। और बॉयज एक सीन और, अभी हमें परेड का नहीं पता कि वो निकल चुकी है, क्या हुआ है, लेट आया हूँ, आई डोंट नो, अल्लाह करे अब फिर निकल जाए या निकल गई है। तो भाई कोई बात नहीं, जाने दें, अब क्या कर सकते हैं, तो अब जो चीज़ है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर गोरे पागल हुए हैं, देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है भाई, पाकिस्तानियों ने पूरा रोड बंद कर दिया, वो भी मैंने 10 के अंदर, टाइम स्क्वायर भैया, अमेरिका का सबसे बड़ी जगह पे ऐसी चीज़ कर दी इन लोगों ने, लोग परेशान है, ये क्या चल रहा है। खैर अभी आपको दिखाते हैं फंक्शन क्या चल रहा है भाई। मैं भी नहीं जानता लेकिन आवाज अच्छी है, मजे का कॉन्सर्ट कर रहा है ये देखे सामने, आए हाय हाय हाय, वहाँ कॉन्सर्ट चल रहा है, अंकल जी जो है पीटीआई का झंडा और पाकिस्तान का झंडा लेके घूम रहे हैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन के अंदर, और तस्वीरें भी खींच रही है भैया, वाह 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 देवी अंकल, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे लगे रहे। अच्छा वो ये जो आप साइकिल्स देख रहे हैं ना, ये सारी आपको रेंट पर मिल जाती हैं, आपने सिर्फ क्या करना है यहाँ पर आके कॉइन डालना है, और ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, आप पूरे कार्ड कार्ड है या कार्ड है बॉयज, कार्ड आपने अटैच करना है, मतलब आपने स्वैप करना है, आपने जितने घंटे लेनी है उसके चार्जेस हैं कोई, आप यहाँ से ये बाइक लेके जाएं और पूरा न्यूयॉर्क मैनहट्टन घूम सकते हैं आप, टाइम स्क्वायर जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक है, यहाँ पर लोग ऐसे ही करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आऊँगा, लेकिन वो ट्रेन में आना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी का पता है वो पार्किंग नहीं मिलती, तो तभी गाड़ी में नहीं आएंगे हम, ट्रेन में आएंगे और इन साइकिल पर फिर मैनहट्टन एंजॉय करेंगे भैया, न्यूयॉर्क का मज़ा लेंगे हम। और इस तरफ आओ तो भैया फुल स्टॉल्स की भरमार, लेडीज सूट्स, आइसक्रीम, कुल्फी, अंडे वाला बर्गर, फुल कराची वाली वाइब यहाँ पर फुल दी गई है, तो बड़ा बेस्ट सीन, एक छोटी सी स्ट्रीट इन्होंने यहाँ भी बंद कर दी भाई, फुल भाई पाकिस्तान की टी शर्ट है, झंडे, कैप, सब कुछ लगाया हुआ है, मैं तो हैरान हूँ ऑनेस्टली, अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं लगता था कि मैनहट्टन के अंदर न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे ये लोग रोड बंद कर सकते हैं और पाकिस्तान का इतना बड़ा फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो वाला रोड, ये रोड, ये रोड टोटली ब्लॉक किया हुआ इन्होंने, हैरान हो गया। सब अपनी जगह सही है, वो देखें नमाज पढ़ लें, सुभान अल्लाह, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, देखें नमाज पढ़ लें, सब काम अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन नमाज ज़रूरी है, ये आज अंकल ने सिखा दिया। बहुत भूख लग गई थी तो सामने जब बंद कबाब दिख रहा था, हम किसी के स्टॉल पे आके बैठ गए कि हमें थोड़ी सी जगह देते, खैर जानने वालों गए इसलिए हम आके बैठ गए, क्योंकि बंद कबाब खाते हैं, और आपको पता इसका टेस्ट, आज जो हमने लिया शामी, हमने कौन सा खाया था, शामी खाया था यार, अंडे वाले के पास कहानी रश बहुत था माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे भाई, टेस्ट ऐसा है भाई, रश तो होना है बाकी भाई आपके स्टॉल पे रश होना ही होना है, तो बस अब ये बोलते हैं क्योंकि भूख ज्यादा लग रही है भाई और गर्मी भी थोड़ी सी शदीद सी हो गई है, भाईजान इस लड़के ने मुझे परेशान करके रख दिया है कि भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है मुझे गाड़ी में, मैंने इसको मना किया था बॉयज घर में कि नहीं आओ, ये देखिए इसके दिमाग पागल हो गए, वहाँ मुझे दिमाग खराब कर, मुझे गाड़ी में बिठा दो, मुझे गाड़ी में बिठा दो, मैं दिमाग फारे हो गया, तो बॉयज इसको अब गाड़ी में बिठाने के लिए जा रहा हूँ, इसको एसी चला के बिठा देंगे, लेकिन मैं आया हूँ तो मैं तो सब कुछ देख के जाऊँगा ना भाई, ऐसे तो नहीं जाऊँगा, और देखें प्राइस भी ले लिया, तो गाड़ी जो है वो वहाँ पे लगे हुए सारी चीज़ें, और गाड़ी जो वो वहाँ पे खड़ी हुई है, तो अभी वहाँ चलते हैं, तो गाड़ी में बिठाते हैं, वो छोड़ के आते हैं भाई, अब चलें जब आए हैं तो आपको नज़ारे भी कराते जाएं भाई, ओए होए होए होए, जहाँ तक नज़र जाए भैया उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वाह वेरी नाइस, और ये हम खड़े हैं रोड क्रॉस करने के लिए, सिग्नल खुलेगा तो रोड क्रॉस करेंगे, वरना भाई यहाँ ट्रैफिक मारता हुआ आपको चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पैसे मिल जाएंगे मेरे लाडो परी को, पलक लगी हुई पलक, आयो ओ खुल गया भाई, खुल गया, तो यहाँ पर ये सिस्टम है भाई, अब जाएंगे बक्सा की तरह फुल चौड़े में, ये साड़ी जिंदगी है काली, ओ ओ ओ ओ, वाह भाई वाह, बक्स सिस्टम चल रहा है यहाँ तो, ठीक है तो देम भाई
बैठे हो, एक खिला दो, बैठे हो तो खिला दो, ठीक है बाबा। हमें चलता हूँ वहीं पर ही बॉय, क्योंकि इवेंट तो वहीं हो रहा ना। सलीम भाई को मैंने गाड़ी के अंदर बिठा दिया और लाइटें शाइटें बंद कर दी। मैंने आराम, अबे लाइटें बंद नहीं करी मैंने भाई, लाइटें बंद करने आया था सर, लाइटें बंद नहीं करी सलीम भाई। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट। तो अब चलते हैं इवेंट की तरफ और हम तो जाके इन्जॉय करें भाई, देखते हैं क्या माहौल चल रहा है। लेकिन अब आ गए तो इन्जॉय करना पड़ेगा। सुदेम भाई की तबीयत ठीक नहीं है तभी इनको हमने बिठा दिया, लेकिन सुदेम भाई के बगैर मज़ा भी नहीं है। खैर चलते हैं अभी हम वहीं। बॉयज सिक्योरिटी के लिए जो है वो यहाँ पर पुलिस भी आई हुई है। देखें इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि रिलीजन का क्या है क्या नहीं है, इनको सिक्योरिटी देने से मतलब है। तो ये सारी गाड़ियाँ पुलिस की, चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई जहाँ जहाँ से बंद है। तो ये बड़ा बेस्ट सीन है कि इनको फर्क नहीं पड़ता, बस ये लोग सिक्योरिटी के लिए कि इंसान को कुछ ना हो। आप ये बिल्डिंग चेक करें बॉयज, ओह माय गॉड, इतनी पतली और इतनी लंबी, और पीछे तो शायद आपने देखी होंगी सारी लाइन से बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और यहाँ पे इन्होंने स्टेज बनाया हुआ, और आप ये लोग देख रहे हैं स्मोक जो निकल रहा है, ठीक है ये स्मोक के नीचे ट्रेन चल रही है, मतलब जमीन के नीचे ट्रेन है। अरे कौन सा कोका भाई, कोका कोका वाला थिंग तो नहीं है। तो क्या चल यहाँ पर, क्या चल रहा है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वो सिंगर तो सही थे लेकिन और कौन आया हुआ ये मुझे नहीं पता भाई। बॉयज ये वहाँ पागल तो नहीं है जो बैठी है, कोई ना कोई तो होगा हमें नहीं पता, लेकिन है कोई ना कोई भाई। जिंदाबाद, वाह भाई वाह। हाय बॉयज थक गया, ये तो गाने गा गा के थक नहीं रहा आपका भाई, खड़े खड़े थक गया। अब आपका भाई एक सिस्टम दिखाता है अपना, आपके भाई ने क्या किया है जो कोई भी नहीं कर पा रहा था, आपके भाई ने कर दिखाया। अभी आपको दिखाता हूँ ये पीछे जो है वो चल ही रहा है कब से म्यूजिक, यार चल लेते हैं भाई, हमारे तो सर में दर्द हो रहा है। तो आए हाय, अरे गाना अच्छा भाई। इस वो देखें रोड है बंद, आगे लगे हुए स्टॉल, लेकिन आपके भाई की गाड़ी देखे कहाँ खड़ी है। अब भाई जान सिस्टम चलाया हमने, सिस्टम ये चेक करें, अंदर आ गई भाई गाड़ी, लेकिन कैसे आई है मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वजह से पार्किंग परमिट, हमारे जानने वाले थे उनसे हमने पार्किंग परमिट लिया। हमने बोला भाई जान गाड़ी अंदर आनी है, सिफारिश चलती नहीं भाई, ऐसा नहीं कि सिफारिश पे आई हो। तो हमने सुदेम भाई कैसा सिस्टम चलाया आपके भाई ने, VIP सिस्टम खतरनाक है। अबे लेकिन तो ये पार्किंग परमिट की वजह से है ना, वैसे तो हम आ ही नहीं सकते थे भाई। तो चलते हम थोड़ी देर में यहाँ से, सबकी मस्तियाँ खत्म हो गई, इनके अंकल की मस्ती नहीं जाके दे रही भाई। वाह भाई वाह, बुढ़ापा मस्ती नहीं जा रही अंकल जी की भाई। सो बॉयज आज का हमारा कुछ सिस्टम ऐसी रहा, अब पीछे भी देख सकते हैं सब जा चुके हैं, और सुदेम भाई की थोड़ी तबीयत जो है वो नासाज होती जा रही है। तो अम्मा जी भी फारिग हो गए। अम्मा जी इवेंट कैसा रहा, बेहतरीन था? अम्मा जी तो गायब चल रही थी इधर उधर इधर, तो भाई अम्मा जी का एंजॉय करने का था तो करने दे दिया। तो बस मैंने सोचा अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।